अब रोजमर्रा की जिंदगी में घेरा और रकबा क्यों इस्तेमाल करते हैं ये देखेंगे। मिसाल के तौर पर मेरे वालिद के पास एक मुस्ततील शक्ल की जमीन है, इसकी चौड़ाई 40 मीटर है और लंबाई 30 मीटर। इस मुस्ततील शक्ल की जमीन के लिए मेरे वालिद कांटेदार बाड़ लगाना चाहते हैं, यानी कांटेदार वायर के चार घेरों की बाड़ लगाना है। अब अगर बाड़ लगाना है तो हमें इस जमीन के घेरा चाहिए या रकबा? जी हाँ, अगर घेरा मालूम हो तो हम इस जमीन के अतराफ बाड़ लगा सकते हैं। करने के लिए कायदा मालूम है। क्या है कायदा? दो चीम जमा दो लाम, दो जरब लंबाई और दो जरब चौड़ाई। ये कायदा हमने पहले ही समझ लिया है। यहां लंबाई कितनी है? 40 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 30 मीटर। दोनों को मिलाकर दो से जरब देंगे, कितना जवाब आएगा? तो हमें 140 मीटर मिला है। ये 140 मीटर क्या है? इस जमीन का घेरा है। जमीन का घेरा 140 मीटर है, ये हमें मालूम हुआ है। एक लाइन में बॉर्डर लगाने के लिए मुझे 140 मीटर बाड़ की जरूरत है। चारों घेरों में बाड़ लगाने के लिए कितने मीटर चाहिए? एक घेरा चाहिए, तो चार घेरों के लिए, यानी इससे चार से जरब दूंगा, तो 560 मीटर। मुझे इस जमीन को चारों तरफ से बाड़ लगाने के लिए 560 मीटर बाड़ की जरूरत है। इस तरह हम घेरा यहां देख सकते हैं। अब एक और मिसाल हम देखेंगे। मैं अपने कमरे के एक दीवार को रंगना चाहता हूं। रंग के डिब्बे पर है कि 100 मिलीलीटर से एक मुरब्बा मीटर तक रंग लगाया जा सकता है। मेरी इस दीवार की एक खिड़की है, मुझे इस दीवार को रंग लगाना है। इस दीवार को रंग लगाने के लिए मुझे रंग खरीदना है। अगर रंग खरीदना है तो मुझे क्या मालूम रहना चाहिए? इस दीवार का घेरा मालूम करना है, या फिर इस दीवार का रकबा मालूम करना होगा। दीवार का रकबा अगर हमें मालूम कर लेंगे तो हमें कितना रंग चाहिए ये मालूम होगा। रकबा को मालूम करने का कायदा क्या है? लंबाई जरब चौड़ाई। तो फिर इस दीवार की लंबाई क्या है? मैंने जब दीवार को नापा तो दीवार की लंबाई 5 मीटर आई। इस दीवार की चौड़ाई 4 मीटर है, तो दीवार का कुल घेरा कितना हुआ? 5 ज़रब 4, यानी 20 मुरब्बा मीटर। ठीक है। अब दरमियान में एक खिड़की होने की वजह से खिड़की को रंग नहीं लगाना है, इसलिए अगर मैं खिड़की की लंबाई अगर नापूं तो खिड़की का घेरा कितना है मालूम होगा। इसको मैं इससे तफरीक कर दूंगा तो मुझे रंग कितना चाहिए ये मालूम होगा। अब मैं खिड़की का नाप ले रहा हूं। खिड़की की लंबाई कितनी है? 1 मीटर मिला। इसी तरह खिड़की की चौड़ाई भी 1 मीटर है। अब हम खिड़की का रकबा नापेंगे। रकबे का कायदा हमको मालूम है। 1 ज़रब 1 करेंगे तो 1 मुरब्बा मीटर होगा। तो खिड़की का कुल रकबा कितना? 1 मुरब्बा मीटर। कुल दीवार के रकबे में अगर खिड़की के रकबे को तफरीक कर दूंगा तो मुझे कितना रंग चाहिए ये मालूम होगा।
तो मैं 20 मुरब्बा मीटर में से एक मुरब्बा मीटर तफरीक कर दूंगा, तो कितना बचेगा? 19 मुरब्बा मीटर। तो दीवार का कुल रकबा कितना, मुझे कितने रकबे में रंग लगाना है? 19 मुरब्बा मीटर रंग चाहिए, तो मुझे कितने रकबे पर रंग लगाना है? 19 मुरब्बा मीटर, इतनी जगह पर रंग लगाना है। हमें क्या मालूम है? 100 मिलीलीटर के लिए एक मुरब्बा मीटर के जितना हम रंग ला सकते हैं। तो हमें कितना मुरब्बा है? 19 मुरब्बा मीटर की वजह से हमें कितना मिलीलीटर रंग खरीदना पड़ेगा? 19 मुरब्बा मीटर के लिए जब हम 100 से ज़रब देंगे तो 1900 मिलीलीटर जितना रंग चाहिए। हमें ये मालूम हुआ, हमें इस दीवार को रंगने के लिए 1900 मिलीलीटर उतना रंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इसको 1 लीटर में तब्दील करेंगे तो कितना होगा? 1900 मिलीलीटर यानी 1.9 लीटर। तो हमें इस दीवार को रंग लगाने के लिए 1.9 लीटर रंग की ज़रूरत है। हम यहाँ देख सकते हैं, अगर हम इसमें 1 मीटर ज़रब करके हमें 100 मिलीलीटर रंग की ज़रूरत है। इस तरह दीवार में 20 मीटर के मुरब्बा का रकबा है, इसमें अगर 1 मीटर ज़रब 1 मीटर खिड़की की वजह से तफरीक करूँगा तो मुझे 19 मुरब्बा मीटर इतनी जगह की दीवार में बची है। उसको रंग भरने के लिए 1900 मिलीलीटर यानी 1.9 लीटर उतना रंग इस्तेमाल करूँगा। हमें जो बात यहाँ गौर करनी है वो ये है कि घेरा और रकबा जब हम बच्चों को सिखाते हैं, लंबाई को नापने के मुख्तलिफ इकाइयाँ हम बच्चों को मुतारिफ करवा सकते हैं। मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इंच, इनमें हम घेरा या रकबा मालूम कर सकते हैं। घेरा और रकबा का तसव्वुर बच्चों को सिखाते हुए चंद गलतफहमियां बच्चों और असातेज़ा में पैदा होती हैं। बच्चों में पैदा होने वाली गलतफहमियां आम तौर पर कुछ इस तरह होते हैं। बच्चे रकबा मालूम करते वक्त लंबाई और चौड़ाई को ज़रब करना होता है और घेरा मालूम करने के लिए दोनों को जमा करना होता है। इसके बजाय बच्चे घेरा को ज़रब करके रकबा को जमा करते हैं। इस तरह बच्चे इसकी जगह उसकी जगह यह कर देते हैं, ये अक्सर हम देखते हैं। दूसरा, बच्चे रकबा लिखते वक्त हिसाब ठीक करते हैं लेकिन आखिर में जवाब लिखते वक्त मुरब्बा इकाइयां लिखने में गलती करते हैं, इसके बजाय सिर्फ इकाइयां लिख देते हैं। ये गलत है, रकबा लिखते हुए हमेशा मुरब्बा इकाइयां लिखना सही होता है। इन गलतियों को बच्चों से निकालने के लिए नुमाइंदगी के मरहले में खानादार नोटबुक का इस्तेमाल करके बच्चों को हिसाबात करने का मौका फराहम करेंगे तो बच्चे इनकी मश्क करके इन गलतियों को कम करेंगे। रकबा और घेरा का तसव्वुर बच्चों की ज़िंदगी में अहम होता है क्योंकि आगे कई मौक़ों पर ये घेरा और रकबे का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से बच्चों में इस तसव्वुर को मजबूती से बिठाना बहुत ज़रूरी होता है। इस हुनर के मुतालिक तसव्वुर होने की वजह से और बच्चे इसी को बुनियाद बनाकर बहुत सारे कोर्सेज का इंतखाब कर सकते हैं, इसीलिए इस तसव्वुर को बच्चों में मजबूती से बिठाना ज़रूरी है। असातेज़ा इस बात को जहन में रखकर इस तसव्वुर को बच्चों को समझाएं।